समय में होटल में पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचते ही अवार्ड फंक्शन शुरू कर दिया जाएगा। तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं जो आज इस अवार्ड से नवाजे जाएंगे उनको अवार्ड देने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आने के बाद शुरू कर दिया जाएगा। तो तमाम दिग्गज, तमाम बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। सब ने, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल किया है, उन तमाम संस्थानों को आज इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी मौके पर मौजूद रहेंगे। तो वाकई में हमें ऐसा एहसास होता है कि जिन संस्थानों से, जिन स्कूलों से पढ़कर हम लोग आगे निकलते हैं, जिनकी एक बहुत अहम भूमिका होती है, हमें, हम, हमारी जो भी पहचान आज के वक्त में बन पाई है, ऐसे संस्थान ही हैं, ये स्कूल है, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी वजह से पहचान बन पाई है। और आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी होटल सरोवर पोर्टिको में पहुँच चुके हैं। मैं दिल से चाहता हूँ एक बार खड़े होके हम दिल से स्वागत करें हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। दिल से एक बार जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत करते हुए इस शाम में चार चांद लगाते हुए मैं इन महान हस्तियों को और जितने भी हमारे बीच में दिग्गज आज पधार चुके हैं, मैं दिल से सबका नमन करते हुए मैं चाहता हूं कि इन महान हस्ती के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिल से हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ करा है और अपना कीमती समय निकालकर आज इस महान एक्सीलेंस अवार्ड, एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड के लिए आए हैं। दिल से आपका नगन करते हुए दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, थैंक यू। दोस्तों इससे पहले हम शुरुआत करें इस पावन शाम की, एक छोटा सा सफर जो माननीय हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हमारे उत्तराखंड के लिए क्या क्या करा है, आइए चलिए जानते हैं। आपकी जो निगाहें हैं उस एलईडी प्रोजेक्शन की तरफ होनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपी गई सूबे की कमान। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के खैरासैंण गांव में 20 दिसंबर 1960 को पैदा हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत को पिता प्रताप सिंह रावत और माता बोधा देवी से अनुशासित जीवन के संस्कार मिले। घर में सबसे छोटे और शांत स्वभाव के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इतिहास से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता में स्नातक उत्तर उपाधि ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर 1979 में आरएसएस से जुड़े और 2002 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। सक्रिय राजनीति में आने का मौका साल 2002 में मिला जब डोईवाला सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने। 2007 से 2012 के दौरान राज्य के कृषि मंत्री रहे। एक साफ सुथरी छवि वाले और पार्टी के कर्मठ सिपाही होने के नाते साल 2017 में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताते हुए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पद उन्हें सौंपा। राज्य में उथल पुथल के दौर में सूबे की कमान संभालना ऐसा था मानो कांटों के ताज को पहनना हो। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे जिम्मेदारी समझते हुए नारा दिया जीरो टॉलरेंस। एक साल के अंदर सरकार ने अपनी ईमानदारी, सादगी और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के आधार पर बड़ी उपलब्धि पाई। राज्य हित में लिए गए त्रिवेंद्र सरकार के कुछ फैसले ऐतिहासिक साबित हुए तो कुछ नजीर पेश कर रहे हैं। चार धाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड परियोजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। आयुष्मान उत्तराखंड से मिलेगा हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत 2% की दर पर किसानों को मिला ऋण। टेली मेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी, ई रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। सभी जिला अस्पतालों में ICU वार्ड की स्थापना। 12वीं क्लास तक NCERT पाठ्यक्रम। जिलों में 13 नए पर्यटक स्थल। पर्यटन को उद्योग का दर्जा। 5000 होम स्टे का निर्माण प्रगति पर। 51 दुर्गम गांवों को बिजली से रोशन किया है। रिस्पना व कोसी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान। ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। फिल्म शूटिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बनता उत्तराखंड। यूपी के साथ परिसंपत्तियों का बंटवारा और परिवहन करार। ऐतिहासिक ट्रांसफर एक्ट लागू। टिहरी लेक पर कैबिनेट मीटिंग। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार आम जनता, गरीब, पिछड़े और दलित समाज की सबके विकास के लिए ठोस निर्णय ले रही है और समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाएं पहुंचाने की कोशिश में है। त्रिवेंद्र सरकार के सुशासन से जनता खुश है और प्रदेश प्रगति पथ पर अग्रसर है। उत्तराखंड में BJP की प्रचंड जीत के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपी गई सूबे की कमान। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के खैरासैंड गांव में 20 दिसंबर 1960 को पैदा हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत को पिता प्रताप सिंह रावत और माता बोधा देवी से अनुशासित जीवन के संस्कार मिले। घर में सबसे छोटे और शांत स्वभाव के त्रिवेंद्र दोस्तों, इसी के साथ साथ एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, फॉर द मैन बिहाइंड, जिन्होंने उत्तराखंड को और ज्यादा नाम लिया है, क्या तरक्की की उजदा पे लेके गए हैं। सर, दिल से नमन करते हैं हम आपका। और चलिए, आप जानते हैं दोस्तों, जिन्होंने एक साल का सफर आज पूरा करा है, जानते हैं अपने HNN 24/7 के बारे में। खबर या चैनलों की भीड़ में उत्तराखंड की राजधानी से शुरू हुए HNN 24/7 ने पूरे किए शानदार एक साल। मीडिया की मंडी दिल्ली से हटकर देहरादून से शुरू हुए HNN 24/7 ने कम समय में हासिल की लोकप्रियता और बना एक साल में सर्वश्रेष्ठ। सिर्फ खबरें ही नहीं, सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाता रहा HNN 24/7। समाज में होने वाले बदलाव को अपनी पैनी नजरों से कवर किया हमारी डेडिकेटेड रिपोर्टर्स की टीम ने। आसपास घटती हर घटना को पहुंचाया आप तक काबल प्रोड्यूसर्स ने और जनता की आवाज बनकर हर मुद्दे को अलग अलग प्रोग्राम के जरिए उठाया हमारे एंकर्स ने। शिवा मीडिया नेटवर्क एंड प्रोडक्शन सॉल्यूशन ने 12 नवंबर 2016 को शुरुआत की HNN 24/7 न्यूज चैनल की। आगाज शानदार और अब तक का सफर भी रहा शानदार। समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने वाले रक्षकों की जिम्मेदारी को समझते हुए HNN 24/7 ने चैनल की ओपनिंग सेरेमनी को समर्पित किया जाबाज पुलिस कर्मियों को। HNN 24/7 ने पुलिस ब्रेवरी अवार्ड का आयोजन कर उत्तराखंड के जाबाज पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। अपने एक साल के शानदार सफर में हमने कई मुकाम हासिल किए और कई इबारतें लिखी। चैनल के आगाज के साथ ही उत्तराखंड में बज चुका था चुनावी शंखनाद। जनता के बदलते मूड को हमने जाना ओपिनियन पोल के जरिए, जनता के बीच जाकर जानी जनता की राय। देवभूमि की आवाम ने भी दिल खोल कर HNN 24/7 को कहा शुक्रिया। लोगों की राय को आप तक पहुंचाया और समझाया चुनावी समीकरण के हर एक पहलू को। समाज का आईना बना, हर उस मुद्दे को उठाया जो जुड़ा रहा हर आम खास से, जिसका सरोकार था उत्तराखंड के आखिरी छोर में बसे हर एक नागरिक से। जब हो जुनून सच दिखाने का, तो हम निकलते हैं सच्चाई जानने और करते हैं रियलिटी चेक। हमारे रिपोर्टर्स उठाते हैं जिम्मा आसपास हो रही हर उस घटना के पहलू को जानने का
जो जनता को करती है प्रभावित। साथ ही हम करते हैं जनता को जागरूक और आगाह। HNN 24/7 लीक से हटकर चलने में यकीन करता है। यही वजह है कि बाकी के खबरिया चैनल्स की तरह हम सिर्फ खबरें ही नहीं दिखाते, समाज में बदलाव के लिए अहम कदम भी उठाते हैं। बिना निर्णायक हुए, बिना पक्षपात के HNN 24/7 जुटा रहा पत्रकारिता के मिशन पर अपनी टैगलाइन के साथ, जुनून सच दिखाने का के साथ। टेलीविजन ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी हम हैं सक्रिय। वी आर पैशनेट, करेजियस, रिस्पॉन्सिबल। वी आर HNN 24/7। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। A huge round of applause, ladies and gentlemen, for HNN 24/7. Thank you. दोस्तों, माहौल हमें इतना ढीला नहीं रखना। ये आप ही के लिए ये अवार्ड सेरेमनी है, तो मैं दिल से चाहता हूं कि उत्तराखंड का जब नाम आता है तो दिल में जोश भरा रहना चाहिए। आप लोगों की वजह से कितने सितारे आज अलग अलग क्षेत्र में आज पहुंचे हैं, कितनी पर्यटन मेरे सामने यहां पर बैठी हुई है। मैं यूनिवर्सिटीज की बात करूं, कॉलेजेस की बात करूं, स्कूल्स की बात करूं, तो हमारा उत्तराखंड, ये देवभूमि हमेशा आगे रही है। तो उसको दिल से नमन करते हुए मैं दिल से अनुरोध करूंगा, हमारे यहां पर जितने भी महान दिग्गज पर्सनालिटीज यहां पर बैठी हुई हैं, एक बार अपने देहरादून उत्तराखंड की शान के लिए अपनी सीटों पे खड़े हो जाइए। प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज राइज अप फॉर द प्राइड ऑफ देहरादून, फॉर द प्राइड ऑफ उत्तराखंड, फॉर द प्राइड ऑफ नेशन। थैंक यू सो मच। और एक बार जोरदार तालियां दिल से अपने लिए, क्योंकि आप हैं तो ये शान है, आप हैं तो उत्तराखंड का नाम पूरे विश्व में जाना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और दिल से आपका आज का होस्ट एंकर आर्यन आपको नमन करते हुए इस शाम की शुरुआत करेगा। तो थोड़ा हल्ला होना चाहिए एवरीवन, क्योंकि हमारा देहरादून और उत्तराखंड सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए जाना चाहता है, वो है जोश। The counter three before we take this event to a grandeur level. यहां से थोड़ा हल्ला आना चाहिए और गुनगुनाहट आनी चाहिए तालियों की। 1, 2, 3, go! थोड़ा और दोस्तों, everyone, 1, 2, 3, go! बहुत बहुत शुक्रिया everyone. Thank you so much. So with this, good evening ladies and gentlemen, this is your host MC Aryan. And here we present HNN 24/7 Education Excellence Awards Uttarakhand 2018. Kyunki kehte hai na, jinhone banaya is pradesh ko education hub, unke samman ka pal aaya hai ab. To apne liye zordar taaliyan dosto. And with this, jitne bhi mahaan yahan par schools hain, colleges hain, universities hain, jinhone हमारे देहरादून को और उत्तराखंड का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, उनके सम्मान के लिए आज हम उनको फेलिसिटेट करने वाले हैं। और दिल से नमन करते हुए इस मौके पे चार चांद लगाने आए हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड प्रेजेंटिंग द पर्सनालिटी हिमसेल्फ श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। दिल से आपका नमन है, स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसने ये ठानी कि ऐसे महान एजुकेशन एक्सीलेंट अवार्ड्स 2018 होने चाहिए, उस चैनल के लिए, द लीडिंग सेंसेशन चैनल ऑफ उत्तराखंड, द वन एंड ओनली HNN 24/7 के लिए जोरदार तालियां। इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग दैट हैज बीन स्टार्टेड, और चार चांद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की स्माइल से ही होंगे दोस्तों। तो मुस्कुराते रहिए, थमे रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम शुरुआत करने वाले हैं आज के इस पावन शाम की। सो विद दिस, इट टेक्स एन इमेंस प्लेजर टू इनवाइट ऑन स्टेज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HNN 24/7 प्रेजेंटिंग द मैन हिमसेल्फ मिस्टर अमित शर्मा टू प्लीज कम अप ऑन द डाइस एंड एड्रेस द गैदरिंग। मैं चाहता हूं कि दो शब्द आप बोलें। मिस्टर अमित शर्मा जी, द मैन हिमसेल्फ सर, जोरदार तालियां दोस्तों।
तालियों की गुनगुनाहट हमेशा बनी रहनी चाहिए. थैंक यू. गुड इवनिंग जेंटलमैन, दिस इज अमित शर्मा. मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनों और अपने मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ. माननीय मुख्यमंत्री जी, गामा जी, शादाब जी और सभी माननीय लोग, जिन सब लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया, आप सभी लोगों का तहे दिल से HNN परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत. मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ आपके यहाँ पधारने पर. पूरी HNN फैमिली को गौरवान्वित किया. HNN परिवार हमेशा सकारात्मकता को बढ़ावा देता है. आज भी हम उसी सकारात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं. कुछ देर में हमारे प्रदेश को एजुकेशन हब बनाने वाले तमाम प्रतिष्ठित एजुकेशन संस्थानों को हमारे सम्माननीय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सम्मानित करेंगे. HNN के बारे में एक बात आप सबसे कहते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ. HNN उत्तराखंड का वो एक लौता न्यूज चैनल है जो पूरी तरह यहीं से प्रसारित होता है, पूरी तरह उत्तराखंड पर ही फोकस करता है. वैसे तो तमाम रीजनल चैनल्स हमारे उत्तराखंड में दिखते हैं, लेकिन वे सब दिल्ली NCR से चलते हैं और ये सभी चैनल पूरे दिन भर में उत्तराखंड के 2 या 3 बुलेटिन दिखाते हैं. खास बात यह है कि HNN अकेला ऐसा चैनल है जो उत्तराखंड से चलता है और हर पल उत्तराखंड के चप्पे चप्पे की हर हलचल को दिखाता है. उत्तराखंड के लिए HNN उसका पूरक है और HNN के लिए उत्तराखंड उसका पूरक है. एक और महत्वपूर्ण बात HNN के प्रसार की है, उत्तराखंड के तमाम लोकल केबल नेटवर्क्स के अलावा हम राष्ट्रीय स्तर पर टाटा स्काई के चैनल नंबर 588 पर पूरे देश में दिखते हैं. रिलायंस बिग टीवी के चैनल नंबर 427 पर भी हम देश के हर घर में दिखते हैं. आज का ये जमाना न्यू मीडिया का है. मोबाइल पर HNN को आप जियो टीवी पर भी लाइव देख सकते हैं. फेसबुक पर हम हमेशा लाइव दिखते हैं. यही एक ही मकसद है, सरकार की नीतियों तक, जन जन तक पहुंचाना, जन जन की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना और हमारी टैगलाइन जनून सच दिखाने का. हमें यही दिखाना है, यही दिखाते रहेंगे. एक बार आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, हार्दिक स्वागत. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. एंड विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स दीप प्रज्वलित, जिसके बिना ये श्याम अधूरी है. तो दोस्तों, मैं दिल से निवेदन करूंगा हमारे महान दिग्गजों से जो आज प्रस्तुत है हमारे बीच में, कि कृपया करके भगवान श्री गणेश का आगमन करते हुए हम इस दीप प्रज्वलित को, सेरेमनी को आगे बढ़ाएं. और उसके लिए सबसे पहले मैं दिल से स्वागत करना चाहूंगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अमित शर्मा जी का. कृपया करके आप आगे आए अलॉन्ग विद हमारे आज के स्पेशल चीफ गेस्ट फॉर द इवनिंग, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी. आपका दिल से स्वागत. तो मैं चाहूंगा कि आप इस दीप प्रज्वलित में आप भागीदार बने. उसके साथ साथ डायरेक्टर ऑफ फाइव फेसेस एंटरटेनमेंट लिमिटेड श्वेता चौधरी, अलॉन्ग विद इट ऑनरेबल मिनिस्टर हायर एजुकेशन डॉक्टर धन सिंह रावत जी, स्टेट सेक्रेटरी बीजेपी मिस्टर सुनील उनियाल गामा जी, मीडिया एडवाइजर ऑफ सीएम मिस्टर रामेश भट्ट, मैनेजिंग एडिटर HNN अजय ढोंडियाल, मिस्टर विनीत चेयरमैन ऑफ HNN 24/7 एंड मिस्टर शादाब. Mr. Shadab Sans, BJP leader. Mr. Azad Ali, Congress leader. Aapka bhi hum dil se swagat karte hain is manch pe.
थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी के साथ साथ दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी का आगमन करते हुए इस शाम को आगे बढ़ाएं तो एक छोटी सी प्रस्तुति आपके समक्ष हम पेश करना चाहते हैं। इसके लिए जोरदार तालियां। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन एज वी कमेंस विद द बिगनिंग ऑफ गणेश वंदना। थैंक यू। गणपति हमारे जीवन के हर कार्य हर प्रयास के प्रारंभ में उनकी मंगल मूर्ति का हम स्मरण करते हैं।
Well, thank you so much. And with this, ladies and gentlemen, let us start with this evening for the HNN 24/7 Education Excellence Awards Uttarakhand 2018. इस शाम की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों हम, तो उसके पहले अलग अलग कैटेगरीज में हमने ये अवार्ड्स जो है डिफाइन करे हैं. तो हायर एजुकेशन से स्टार्ट करेंगे हम, जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है. और उससे पहले दोस्तों एक प्यारी सी एप्लीकेशन जो मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पावन हाथों से आज इसका लॉन्च हो. ये HNN 24/7 की एक ऐप है जो आज लॉन्च होने जा रही है दोस्तों. तो दिल से मैं चाहता हूं कि सर आप अपने पावन हाथ लगाकर इस ऐप का लॉन्च करें. और यहां से मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां हो जाए. A huge round of applause. And you can feel free to download this application on your mobile phones. आप अपनी भाषा के हिसाब से यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं. इट इज अवेलेबल ऑन बोथ एंड्रॉइड एंड iOS. गो टू प्ले स्टोर एंड टाइप HNN 24/7 एंड यू कैन सी द ऐप. डाउनलोड इट नाउ. थैंक यू. HNN 24/7 ने ऐप लॉन्च किया है. सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस ऐप को लॉन्च किया है. आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे थे. HNN 24/7 का जो ऐप है उसको आज लॉन्च किया गया है. और इस ऐप के माध्यम से आप देश प्रदेश की जितनी भी खबरें हैं बहुत इजीली तरीके से आप तक पहुंच पाएगी. HNN 24/7 का यह ऐप लॉन्च किया गया है. सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस ऐप को लॉन्च किया है और बहुत ही इजीली तरीके से अब आप खबरों तक पहुंच सकते हैं. क्या कुछ आपके प्रदेश में आपके देश में घट रहा है और अगर इंटरनेशनल खबरों की बात की जाए उसके लिए भी आप इस लंच का जो है A huge round of applause. और इनके लिए मैं चाहता हूं ये एक क्रेजी मोमेंट था आप लोगों के लिए कि बताने के लिए कि एक प्यारा सा समा कैसे बनता है. और अब सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस मंच पर जिनके बिना ये शाम अधूरी है. सर यू आर बीइंग सो ऑनरेबल फॉर अस एंड अपना कीमती समय निकालकर आप इस प्यारे से माहौल में आप यहां पर चार चांद लगाने आए हैं. तो मैं दिल से आपसे निवेदन करते हुए इस मंच पे आपको आमंत्रित करते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे आज के जो चीफ गेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस मंच पे आए अलॉन्ग विद द चेयरमैन ऑफ HNN 24/7 मिस्टर विनीत शर्मा जी एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HNN 24/7 मिस्टर अमित शर्मा जी. इनके लिए जोरदार तालियां दोस्तों. अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. थैंक यू. And now, as I have announced the first category for the Educational Entrepreneur University of the Year, it goes to DIT University. इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा दोस्तों. DIT University was founded by Mr. Najmul Huda, the founder of the Unison Group, founded in 1998. Dehradun Institute of Technology gradually turned from an engineering college to a university which offer undergraduate, graduate, and doctoral programs in the field like engineering, pharmacy, management, and architecture. Thank you and congratulations. Coming next, we have Best Private University of the Year. Dhyan se suniyega. Best Private University of the Year. And it goes to, jahan se dosto,
मैंने पास आउट कर रखा माय वंडरफुल कॉलेज IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी. कंग्रेचुलेशंस. Congratulations to IMS Unison University. Congratulations, everyone. It's an honor to be a part of this Vanalang University. Thank you. और मैं दिल से एक बार इस मंच पे भी आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर सुनील उनियाल गामा जी को, स्टेट सेक्रेटरी बीजेपी. आप इस मंच पे आए. दिल से स्वागत आपका. Congratulations. Coming up next, we have Best Medical College University, and it goes to Swami Ram Himalayan University, Dehradun. On the stage, please. If you're taking time, then let us proceed further. We have Best Institution for Promoting Industry, and it goes to Dev Bhumi Group of Institutions, Dehradun. Congratulations. Next, we have Best Engineering College, and it goes to none other than Tulas Institute, the Engineering and Management College, Dehradun. Congratulations. You thoroughly deserved it, guys, for being the best engineering college in Uttarakhand. Congratulations to you. Next, we have Best B School. It goes to Institute of Technology and Management, Dehradun. Best. वहां से पास आउट करा पुणे. देख रहे हैं आपको बता दें कि सबसे बड़ा एजुकेशन अवार्ड यह है जो HNN की तरफ से इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है. होटल सरोवर पोर्टिको से आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर HNN एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है उन संस्थान को, उन यूनिवर्सिटीज को, स्कूलों को जिन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया है शिक्षा के क्षेत्र में. आज उनको सम्मानित यहां पर किया जा रहा है. खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर पहुंचे हैं. उनके हाथों ये सम्मान दिया जा रहा है उन संस्थानों को. उत्तराखंड का सबसे बड़ा एजुकेशन अवार्ड ये है जहां पर आज सम्मानित किया जा रहा है शिक्षण संस्थानों को. DIT को सम्मानित किया गया, IMS को सम्मानित किया गया, देवभूमि उनको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से.
HNN एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड उत्तराखंड का सबसे बड़ा एजुकेशन अवार्ड ये है। और आपको बता दें कि यह कार्यक्रम चल रहा है राजधानी देहरादून के होटल सरोवर पोर्टिको में। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और तमाम गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। For DD College Dehradun, under the title and category of Best B.Ed College. Congratulations, guys. Thank you. Proceeding further, ladies and gentlemen, we have the next category of Best Emerging Ayurvedic Medical College, and it goes to none other than Shivalik College of Ayurveda. जोरदार तालियां दोस्तों। कंग्रेचुलेशंस। All right, my friends, we have a special award for the contribution to education sector, and it goes to Sunil Agarwal, the president of Association of Self Finance Institute. May I please have Mr. Sunil Agarwal on stage, please. Dil se aapka swagat aur mubarakbad dete hue. Moving next, we have the best residential schools. And it goes to, once again, Tulas International School, Dehradun, for being the best residential school so far in Uttarakhand. Congratulations, guys. You really deserve it. I think, dosto, aapki taaliyon ki gungunahati hai, jiski kami hame yahan par mehsoos ho rahi hai. ये बचती रहेगी तो ये शाम और ज्यादा हसीन होती रहेगी। ये मुस्कुराते हुए चेहरे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये पर्सनालिटीज आप लोगों के बीच में है, आप लोगों के लिए है, और ये अवार्ड्स भी आप लोगों के लिए है। उत्तराखंड की शान को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं टू आर नेक्स्ट कैटेगरी व्हिच वी हैव, दैट इज द बेस्ट चेन ऑफ स्कूल। इट गोज टू दून इंटरनेशनल स्कूल देहरादून। तो मैं मिस्टर अमान जी से अनुरोध करूंगा कृपया करके इस मंच पे आए। Next, we have Best Educational Initiative School Serving Social Cause. And it goes to Riverian Public School, Dehradun. Kya hamare beech mein Riverian Public School, Dehradun se koi hai? Toh kripya karke is manch pe aaye. Shukriya. Zordar taaliyan dosto inke liye. Mubarakbad dete hue aapko. Under the title of HNN 24/7 Education Excellence Awards, Uttarakhand 2018. Presenting Riveria School, Dehradun. Thank you. Moving on, ladies and gentlemen, we have Best School for Innovation and Value-Based Education. And it goes to the Pestlewood, the Pestlewood, Dehradun. Anyone from Pestlewood, Dehradun? So here are the personalities for which I really want everyone to have a huge round of applause for them. Zordar taaliyan dosto. For the best school for innovation and value-based education, presenting the Pestlewood School. Thank you. Moving on, next we have the next category, that is the Best School Using Technology in Teaching. It goes to Social Baluni Public School, Dehradun.
Do we have anyone from Baluni Public School, Dehradun? Yes, we have the man. Thank you. Congratulations. Moving ahead, we have Best Day Boarding and Residential School, and it goes to Sri Ram Senatorial School, Dehradun. Zordar taliya, dosto, inke liye. Thank you. Bahut bahut shukriya. Aapki taliya yahan par basti rehti hai aur bahut maza aata rehta hai, dosto. Bahut bahut shukriya. Ek baar apne liye zordar taliya ho jaye. Huge round of applause for everyone. Please. Next, we have Best School in Teaching Learning Practices, and it goes to Sai Grace Academy International, Dehradun. Presenting Mr. Samarjeet. The Best School in Teaching Learning Practices, it goes to Sai Grace Academy International, Dehradun. Congratulations. Moving ahead, we have the Best Day School. It goes to Will Field School, Dehradun. Kya hamare beech mein koi Will Field School se hai yahan par? On the stage, please. Congratulations, everyone. Moving ahead, we have the Best Educational Counselor and Motivator. And this title will be our today's great presenter, Dr. Mukul Sharma Ji. For them, a round of applause. He's a clinical psychologist, career counselor, motivator, and is a founder president of the International Institute of Psychometric Counseling. He has experienced the counseling, guiding, and empowering youth all over India for the 13 year, awarding by the President of India and the Seva Gavan Award and 100 others. Congratulations to Mr. Dr. Mukul Sharma. Thank you. Moving ahead, we have the next category under the coaching institute we have in town in Uttarakhand, and it goes to the Best Coaching Institute for Medical and Engineering, Baluni Classes, Dehradun. Please, main chahta hu ek baar aap manch pe aa jaiye. Next, we have the Best Coaching Institute for IAS PCS, and it goes to Vedanta IAS Academy. Please, ma'am, do the honors. So, ladies and gentlemen, this is the best award that is going to the Best Coaching Institute for IAS PCS goes to Vedanta IAS Academy. Next, we have Best Coaching Institute for NDA CDS, and it goes to Doon Defense Academy. Agar Doon Defense Academy se koi hai. Okay, aa jaiye sir. Next, we have Best Coaching Institute for SSC
ग्रुप सी एंड इट गोज टू शिखर क्लासेस. Congratulations, everyone, for being the best coaching institute for SSC Group C goes to Shikhar Classes. Last but not the least, everyone, we have the best institute for placement, training and research, and it goes to Encirco Technologies. Congratulating you all. Congratulations, everyone. Please do the honors. Congratulations. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. और जितने भी हमारे महान दिग्गज इस मंच में हैं, दोस्तों, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. और अब मैं दिल से अनुरोध करूंगा हमारे आज के चीफ गेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ऑफ उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कि वो दो शब्द कहें. और सर, आपके लिए ये एक छोटा सा चिन्ह है जिसे हम आपको फेलिसिटेट कर रहे हैं. ये एक ऐसा खजाना है सर जो युग युग तक पूरा देश और पूरा विश्व इनके कारण चलता है. मैं अनुरोध करूंगा मिस्टर जेपी शर्मा जी से कि मंच पे आए. आपका भी दिल से स्वागत है. और सर, अब मैं दिल से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द कहें जो आपने चार चांद लगाए हैं और जितने भी यहां पर अवार्डीज हैं अंडर द HNN 24/7 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स उत्तराखंड 2018. तो शुरुआत करेंगे आपसे सर. सर, दो शब्द प्लीज. दो शब्द प्लीज. एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों. HNN चैनल्स के चेयरमैन श्री विनीत जी, अमित जी और मेरे सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री सुनील उनियाल गामा जी, हमारे पैनलिस्ट सादाब शम्स जी, संजीव जी, यहाँ पर उन सभी संस्थाओं को सम्मानित किया गया कि जो अपने क्षेत्र में अपनी कुछ विशेषताओं के साथ अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. मैं देख रहा था यहाँ पर ऐसे हमारे जो लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, हजारों बच्चे उनके स्कूलों से निकले हैं. कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनको यहाँ पर सम्मानित किया गया और अनेक युवक युवतियों को
रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं और सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सबको मेरी ओर से आज बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। HNN उत्तराखंड का एकमात्र चैनल है जो पूरी तरह उत्तराखंड को ही समर्पित है और जिनका बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर स्टूडियो है, समर्पित उनके पास टीम है और जो टीम भाव से, टीम स्पिरिट से अपना काम कर रही है और जनता को जो उनकी समस्याएं हैं उनसे सरकार को और सरकार के जो काम हैं, अच्छे काम हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ी सुखद बात है कि HNN पूरी तरह उत्तराखंड को ही समर्पित एक मीडिया हाउस है और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जहाँ की आबादी भी लगभग 1 करोड़ से थोड़ा ही अधिक है, उसमें भी अधिसंख्य क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र अगर हम देखें तो दूरस्थ क्षेत्र है और बहुत बड़ा भूभाग हमारा ऐसा है कि जो 12 महीने बर्फ़ से ढका रहता है, वहाँ पर आबादी शून्य जैसी है। ऐसे में इतने छोटे राज्य में और इतना बड़ा, मैं तो ये कहूँगा कि रिस्क है एक चैनल को चलाना, क्योंकि काफ़ी खर्चीला भी है और दुर्गम भी है। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में अपने रिपोर्टर्स को भेजना, उनको वहाँ पर अपॉइंट करना और कई बार जब नेटवर्क की भी प्रॉब्लम की काफ़ी समस्या रहती है, विशेषकर आजकल जब बरसात के दिन हैं, समस्याएं बहुत सारी बढ़ जाती हैं जिनकी पहले से कल्पना नहीं की जा सकती, बाकी केवल आशंका कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। आज सुबह सवेरे 3 बजे यमुनोत्री में इतना पानी बरसा कि यमुनोत्री का पुल बह गया, जो यमुना मैया का जो मंदिर है, छोटा सा पुल है, जो लोग वहाँ पर गए होंगे उन्होंने देखा होगा, पूरा वॉश आउट हो गया। अब वहाँ पर जाना, वहाँ पर काम करना, ये कितना कठिन होता है। ये तो बड़ा सरल होता है कि साहब ऐसा हो गया, 24 घंटे हो गए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर हम उन स्थानों पर जाते हैं, पॉइंट जीरो पर जाते हैं, तो तब असलियत सामने आती है और ऐसे में मीडिया की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे याद है, पिछले वर्ष की बात है, घनसाली में बादल फटा और चैनल्स ने दे दिया कि उत्तराखंड में बादल फटा और चारों धाम के जो रास्ते वो बंद हो गए। बड़े बड़े चैनल्स इस तरह खबर दे रहे थे, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था। अगले दिन पूरे उत्तराखंड में सन्नाटा था, मुझे कहना पड़ा विवश होकर के, और फुटेज जो फाइल फोटो 2013 की फाइल फोटो, शिवजी डूब रहे हैं उत्तरकाशी में, भवन ढह के अलकनंदा में जा रहा है, वो पुरानी फाइल फोटो दिखाने लग गए। एक ऐसा भय का वातावरण हो गया और उसके कारण करोड़ों रुपए का जो बिजनेस था, जो सैकड़ों करोड़ रुपए में था हरिद्वार से ऊपर, वो पूरी तरह अगले दिन पूरी तरह सन्नाटे में बदल गया। लोगों ने अपनी जो बुकिंग कराई थी वो पैसा अपना वापस ले लिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैंने बात किया उस चैनल के हेड से, तो मैंने कहा भाई अब अगर तुमने फाइल फोटो दिखानी बंद नहीं की तो हम आपको उस कानूनी नोटिस देंगे, आप दिखाइए जो घटना घटित हुई है, लेकिन आप फाइल फोटो दिखाएंगे और इसके कारण भय पैदा करेंगे। आपको पता है आपकी इस छोटी सी खबर से कितना बड़ा नुकसान इस स्टेट को हो गया है, और एहसास हुआ तब से फाइल फोटो दिखाना बंद हुआ है। अब ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, और इसलिए अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना काम कैसे किया जा सकता है, उस तरह का एहसास, उस तरह की अनुभूति, क्योंकि बहुत ही
संवेदनशील समय होता है और विशेषकर जब से केदार की आपदा आई तो लोगों के जहन में एक भय सा रहता है, वो भय दूर हुआ है। यद्यपि इस बार जो देखने में आया लगभग 24 लाख के करीब यात्री, पिछले वर्षों में अधिकतम हमारे चारों धामों में आए और इस बार अभी तक 23 लाख क्रॉस कर गए हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और पर्यटक इस बार दूरस्थ क्षेत्रों में, चाहे पिथौरागढ़ धारचूला हो, मुनस्यारी हो, कौसानी हो, दूरस्थ क्षेत्रों में डीडी हाट, गंगोली हाट, बहुत दूरस्थ क्षेत्रों तक इस बार हमारा पर्यटक पहुंचा। धार्मिक यात्रियों के साथ साथ जो पर्यटक हैं बहुतायत संख्या में इस बार पहुंचा है और पर्यटन आज उत्तराखंड का भविष्य बनता जा रहा है, या हम ये कहें कि उत्तराखंड वासियों का जो भविष्य हो पर्यटन पर निर्भर होने जा रहा है आने वाले समय में। ऐसे में अगर हम अपने दूरस्थ क्षेत्रों की जो हमारी खूबसूरती है, मैं कोई मेरे पास आता है मैं कहता हूँ बोले देहरादून बहुत सुंदर है, मैंने कहा थोड़ा ऊपर हुआ हो जरा 60-70 किलोमीटर टिहरी, थोड़ा घनसाली की तरफ हुआ हो, थोड़ा थराली की तरफ हुआ हो, थोड़ा रांची गोंडार की तरफ हुआ हो, मधमहेश्वर की तरफ हुआ हो, आपको पता चलेगा कि यहाँ और भी बहुत कुछ है, अध्यात्म है, हमारी संस्कृति है, वाइब्रेशंस हैं जो आपको परमात्मा के नज़दीक ले जाते हैं, हम लोगों जो अंदर आपको एक महसूस कराते हैं, एक अजीब तरह की अनुभूति होती है, थोड़ा वहाँ जाकर देखिए। और इसलिए आज सब लोग आज आकर्षित हो रहे हैं, आज फिल्म इंडस्ट्री उत्तराखंड की ओर आ रही है। हमने एक छोटा सा काम किया, शूटिंग का फीस लिया जाता था 10,000 रुपये रोज का, हमने कहा कि हम ये 10,000 रुपये नहीं लेंगे, आप यहाँ आइए। आप आश्चर्य करेंगे 6 महीने में 6 फिल्में यहाँ पर आ गई और दक्षिण भारत की भी 2 फिल्में यहाँ पर आ गई। अब 200-250-300 लोगों की टीम होती है, हमारे यहाँ होटलों में ठहरते हैं, राज्य के लिए वही बहुत बड़ी चीज़ है, 10,000 रुपये रोज से कितना हो जाएगा, क्या राज्य को उससे फर्क पड़ने वाला है। और एक हल्की सी हमने सुधार किया, 6 फिल्में रजनीकांत भी शायद आज शायद यहाँ पर पहुँच गए होंगे, वो भी यहाँ पर आए हैं। अभी महेश बाबू जो दक्षिण भारत के सुपरस्टार हैं उन्होंने यहाँ पर शूट किया, उससे पहले शाहिद कपूर, तनेक यहाँ पर बड़े पर्दे के अजय देवगन आने वाले हैं, तो बड़े पर्दों की फिल्मों की यहाँ पर शुरुआत हुई है। ये हमारे राज्य के भविष्य के संकेत हैं कि पूरा भारत इधर आकर्षित हो रहा है। आज भारत आकर्षित हो रहा है, हो सकता है कल दूसरे देशों की फिल्में भी यहाँ पर आ सकती हैं। और इसलिए हम सब लोगों को यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो वैशिष्ट्यता है, यहाँ की जो विशिष्टता है, उसको हम कैसे दुनिया को दिखा सकते हैं ये ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि HNN केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के 200 के करीब, कितने देशों में, 132 देशों में HNN देखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारी जो ज़रूरत है, मैं कहता हूँ धार्मिक पर्यटक तो बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप आता है। अब कांवड़ियों को कोई बुलाता है क्या, यहाँ पर कुंभ का मेला होता है कोई किसी के लिए कार्ड जाता है क्या, सब लोग अपने आप आते हैं। गंगा दशहरा किसी के लिए कार्ड नहीं जाता, पतला देख के सब लोग, लाखों लोग चले आते हैं गंगा जी में नहाने के लिए। लेकिन आज हमें जो ज़रूरत है वो हाई एंड टूरिस्ट की है, खर्चीले टूरिस्ट की है, उसको हमको और आगे कैसे बढ़ सकता है, उसकी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें चैनल हमारा सहयोग करेगा, ऐसी मेरी कामना है। आज एक बार फिर मेरी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। 2 मिनट में चाहूँगा आप इस मंच पर रहें और इसी के साथ साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मैं टीम HNN 24/7 से आमंत्रित करना चाहूंगा चेयरमैन मिस्टर विनीत शर्मा जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर अमित शर्मा जी, ब्यूरो हेड राव शफात अली, इफ्तिहार त्यागी जी सीनियर एडिटर एंड मैनेजिंग एडिटर अजय ढोंडियाल जी। एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए और इसके बाद जो बच्चों ने इतना मनोबल बढ़ाया हम सब का, यहाँ पर एक अच्छी सी उमदा परफॉर्मेंस दी आपने, शुरुआत करी इस पावन शाम की, तो मैं चाहता हूँ कि राइजिंग स्टार और जो ये प्यारा सा बैंड था, द ब्यूटीफुल बैंड इंडीड वुमनिया, मैं आपको भी चाहता हूँ इस बार एक बस मंच पे आ जाएं अलॉन्ग विद द फाइव फेसेस एंटरटेनमेंट। आप ही हमारे कल का भविष्य है, तो मैं चाहता हूं सबसे पहले तो दोस्तों इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं यार।
हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो चलाते हैं, अगर ये लोग आज इतने सक्सेसफुल हैं कि हमारे उत्तराखंड को ये एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो दिल से आपका सल्यूट। मैंने बहुत कम बैंड्स देखे हैं जिसमें एक लेडीज और गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं, और आपने बहुत ही ज्यादा उमदा परफॉर्मेंस दिया। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग उत्तराखंड एज अ प्राइड ऑफ नेशन एंड टेकिंग इट टू अवर नेक्स्ट लेवल। थैंक यू, यू आर द रियल फ्यूचर स्टार्स ऑफ द नेशन। दोस्तों एक बार मेरे साथ आप चाहिए, जय हिंद जय हिंद। दोस्तों खड़े होके एक बार हम ये साथ में नमन करेंगे, खड़े होके हम इस शाम की क्लोजिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं। तो एक बार दिल से, हम उत्तराखंडी हैं, हम देहरादून से हैं, तो दिल से अपने देश को नमन करते हुए एक बार मेरे साथ आप कहिए, जय हिंद जय हिंद। वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहीं मत जाइएगा, वी ऑल्सो हैव अरेंज्ड फॉर अ स्पेशल डिनर फॉर एवरीवन आउट हियर, तो प्लीज हैव योर डिनर एंड देन प्रोसीड फर्दर। और उससे पहले मैं इस स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा द इवेंट व्हिच हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड ब्यूटीफुली एक्सिक्यूटेड बाय द फाइव फेसेस एंटरटेनमेंट पीवीटी लिमिटेड ऑन द स्टेज प्लीज फॉर द स्मूथेस्ट एग्जीक्यूशन। जिस हिसाब से इन्होंने पूरा डेकोर करा है, सेटअप करा है, तो मैं दिल से इन फाइव फेसेस को इन्वाइट करना चाहूंगा। श्वेता चौधरी डायरेक्टर फाइव फेसेस एंड कंप्लीटली टीम डीच विनायक मिस्टर विनायक शर्मा एंड कंप्लीट टीम ऑफ फाइव फेसेस ऑन द स्टेज प्लीज। इट वॉज एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरलैंड। कंग्रेचुलेशन to the HNN 24/7 Education Excellence Awards Uttarakhand 2018. Ek baar apne liye zordar taaliyan dosto. Aur dil se hum shukrguzar hain aur dhanyawad karte hain hamare aaj ke maananiye mukhya atithi hamare Uttarakhand ke Chief Minister Shri Trivendra Singh Rawat ji ka ki unhone apna keemti samay nikal kar yahan par chaar chand lagaye. Bahut bahut shukriya. Aur aap sab ka isi ke saath saath State Secretary BJP Mr. Sunil Unial Gama ji, aapka bhi dil se hum swagat karte hain. So ladies and gentlemen, please be with us and proceed towards the dinner. Thank you so much. It was wonderful having out here. Congratulations to everyone and promoting Dehradun. Thank you so much. Shubh Ratri, Shabakir. Thank you. This was your host, MCR, and I'll be signing off. देहरादून से देहरादून के सरोवर पोर्टिको में जहां पर इस समारोह का आयोजन किया गया, अवार्ड यहां पर दिए गए। एमसीआर मिनोचा, थैंक यू, राइट बैक, थैंक यू। तो आपको बता दें कि सरोवर पोर्टिको से आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आज सम्मानित किया गया उन इंस्टीट्यूट्स को, यूनिवर्सिटीज को, उन सेंटर्स को जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। और आज ये अवार्ड यहां पर दिए गए हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज, तमाम कॉलेजेस की हम बात करें, स्कूलों की हम बात करें, उनको आज ये अवार्ड दिया गया है। और खुद
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की है इस कार्यक्रम में और उनके द्वारा बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो रही हैं और जो सेंटर्स रहे हैं जो वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, तमाम ऐसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी कराते हैं, जो इन्होंने सबसे बेस्ट किया है शिक्षण संस्थान में, उनको आज यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। HNN एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। उत्तराखंड का सबसे बड़ा एजुकेशन अवार्ड ये है और होटल सरोवर पोर्टिको में यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि 26 शिक्षण संस्थानों को आज अवार्ड मिला है। स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटीज और कोचिंग सेंटर्स जिनको आज सम्मानित किया गया है, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत से युवा जो इन में पढ़ रहे हैं, इन कॉलेजेस की अगर बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या फिर कोचिंग सेंटर्स की बात करें जहाँ पर वो कोचिंग लेते हैं, और वाकई जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है इस कॉलेजेस से, जो पास आउट हुए हैं और उन्होंने अपने जो सपने हैं उनको साकार कर दिखाया है, आज